स्टूडेंट्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पर हमने बात की, अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सिचुएशन हम देखते हैं, हिस्टेरेसिस लूप पर हम बात करते हैं। हिस्टेरेसिस लूप एक्चुअली क्या है? जिस तरह की हमने देखा कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में जो एक मेन डिफरेंस हमने देखा, जो दोनों में फर्क है, वो ये है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स को, सो वहाँ पर क्या होता है कि वो मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं, सो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल अगेन उसके जो एटम्स हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स है, एक्चुअली टाइनी मैग्नेट्स, वो रैंडम फॉर्म में आ जाते हैं और फिर वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। यानी उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, टेम्प्रेरी होते हैं जब तक एक्सटर्नल फील्ड एग्जिस्ट प्रेजेंट हो। इसी तरह अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स देखें, इसमें हमने देखा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में इसी तरह ही जो एटम्स हैं उसके एक्चुअली ग्रुप्स फॉर्म में पाए जाते हैं, वो भी परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स एक्चुअली, सॉरी, परमानेंट मैग्नेट्स है जो एटम्स हैं। लेकिन इसको जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाए, रिमूव कर लें, तो उसकी फिर भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स बाकी रहती है। यानी उसमें कुछ जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के बाद भी बाकी होती है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और ये हमारे पास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब अगर हम जनरली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की वही सिचुएशन जो है वो अगेन यहाँ पर रिवाइज कर लें, तो देखिए क्या होता है कि ये एक पीस में कंसिडर कर लो, तो अब ये जो बाकी रहता है, जो इसमें फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी, इसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस, और एक लूप बनेगा जिसको हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे, वो हिस्टेरेसिस लूप होता है, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। लेकिन फर्स्ट यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटाइजेशन है, किस तरह वो हम मैग्नेटाइज करते हैं, और जब उनको हम डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो फिर उसकी जो फिनोमिनन है, उसकी जो प्रोसीजर है, या टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, वो किस तरह होता है। सो अब अगर आप देखें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, हमने देखा कि कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर हमने शो किए हुए हैं, कि इसमें जो एटम्स मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल इस स्पेसिफिक रीजन के अंदर इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस रीजन के अंदर जो एटम्स हैं उसका दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस रीजन के अंदर जो एटम्स हैं उनका एक डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो एटम्स हैं, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, अब अगर आप इस रीजन के अंदर देखें जितने भी एटम्स होंगे उन सब का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यानी वो अलाइंड है पहले ही से। इस रीजन के अंदर जितने होंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इसमें जितने एटम्स होंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप देखें जो रीजन्स हैं वो तो ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड हैं, यानी अगर हम स्पेसिफिक रीजन की बात करें, सिर्फ ये रीजन इससे उठाए, ये ए आप इसको कंसिडर कर ले, ये उठाए तो ये मैग्नेटाइज्ड है, इसी तरह ये रीजन मैग्नेटाइज्ड है, ये रीजन मैग्नेटाइज्ड है, लेकिन एज अ होल अगर हम पूरे बॉडी को देखें इस मटेरियल को, सो वो एक अनमैग्नेटाइज्ड जो है वो हमारे पास मटेरियल है। क्यों? चूंकि उसके जो सारे रीजन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में है और एक दूसरे के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, सो पूरा मटेरियल आ जाता है नॉन मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में। अब अगर इसको हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, इस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो है, हमने कोई फील्ड अप्लाई नहीं की है। अब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें, एक दूसरी सिचुएशन की तरफ आ जाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसी मटेरियल को लेते हैं, इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब देखें वही रीजन्स होंगे, ये वही रीजन जिसमें पहले जो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स थे वो रैंडमली डायरेक्टेड थे, लेकिन अब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें तो फिर क्या होगा, ये आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले लें, इसकी डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सारे रीजन्स होते हैं ये इसी फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, यानी ये रीजन भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ये रीजन जितने एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, इनका भी, सारे जितने भी रीजन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि इसका एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ एक्ट करेगा उसी तरह, और ये एक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, सो पूरा मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। अब अगर हम इसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह, ये तो हमने फील्ड अप्लाई किया, इसको हमने मैग्नेटाइज किया, अब अगर हम ये रिमूव कर ले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे हैं कि फील्ड आप रिमूव कर लें सो वो अगेन डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर सारे के सारे जो रीजन्स हैं वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते, बल्कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि फिर भी उसके बाद भी रिमूवल के बाद भी मैग्नेटाइज फॉर्म में होते हैं एक ही डायरेक्शन में. सो जो मटेरियल है वो फिर भी मैग्नेटाइज्ड होता है. तो इस मटेरियल्स को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलेनाइट. एक एग्जाम्पल लेते हैं सोलेनाइट की तरह, ये आप कंसिडर कर लें, एक सोलेनाइट कंसिडर कर लें, और इसी सोलेनाइट के अंदर हम रखेंगे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और हम ये देखेंगे कि उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है और डीमैग्नेटाइजेशन वो हम किस तरह देख सकते हैं. ये आप सोलेनाइट कंसिडर कर लें, इसी सोलेनाइट के अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं. सॉफ्ट आयरन मीन जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, जो आयरन उसको हम सॉफ्ट आयरन कहते हैं. ये आ गया सॉफ्ट आयरन जो कि इसके अंदर हम रखते हैं. अब अगर आप देखें इस सोलेनाइड से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ये यहाँ से आप इलेक्ट्रिक करंट इंसर्ट कर ले, इसमें एंटर कर ले, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इस सोलेनाइड का अपना फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस आयरन को मैग्नेटाइज करेगा. जो फील्ड इस सोलेनाइड में प्रोड्यूस होगा वो इस आयरन के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि एक्चुअली आयरन जो है वो हमने सोलेनाइड के अंदर रखा हुआ है. सो जो फील्ड इसका होगा सोलेनाइड का वो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए, आयरन के लिए, बिकॉज आयरन उसके इनसाइड पड़ा हुआ है. सो फिर ये जो सोलेनाइड का फील्ड है वो एक्ट करेगा, और इस आयरन के अंदर जो रीजन्स है, जो इनके अंदर डोमेन्स है, हमने बात की इनको हम डोमेन्स कहते हैं, इन्हीं डोमेन्स को वो क्या करेगा, इनको एक खास डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, पैरेलल कर लेगा जो डायरेक्शन फील्ड की है. तो पूरा जो आयरन है वो क्या हो जाएगा, आयरन जो है सॉफ्ट आयरन वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज. तो जब आयरन मैग्नेटाइज हो जाए, अब हम जानते हैं कि आयरन जो है एक्चुअली एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. तो जब आप आयरन को मैग्नेटाइज करें और फिर इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, सो आयरन डीमैग्नेटाइज हम किस तरह करेंगे कि इस फील्ड को हम जीरो बना दें, यानी करंट को स्टॉप कर लें, सोलेनाइड के अंदर करंट स्टॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसके अंदर करंट जीरो हो जाए, सो सोलेनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज वो करंट पे डिपेंड करता है. और हम ये देखेंगे कि जब आप ये फील्ड जीरो करते हैं एक्सटर्नल फील्ड, लेकिन तब भी आयरन जो है वो मैग्नेटाइज ही रहता है, चूंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके सारे डोमेन जो है वो फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आते, बल्कि कुछ जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो मैग्नेटाइज फॉर्म में ही होते हैं. तो अब देखें इसकी जो सिचुएशन है, कैसे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज करते हैं, वो ये है कि आप अगर करंट को वेरी कर लें, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको वेरी कर लें, यानी फर्स्ट इसकी वैल्यू जो है वो कम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल हम जीरो से इसकी वैल्यू मैक्सिमम तक बढ़ाते हैं. तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे, इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनाइड के अंदर, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी. ये जीरो होगा तो फील्ड जीरो, ये बढ़ेगा इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ लीनियरली चेंज हो रहे हैं. अब जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा तो इसके अंदर जो आपके पास डोमेन्स है वो ज्यादा से ज्यादा जो है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करंट कम है, एक्सटर्नल फील्ड स्मॉल है, तो इसका मतलब यह है कि सारे डोमेन्स जो है वो अलाइन नहीं होंगे, कुछ डोमेन्स को वो अलाइन कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल एक को कर लिए या दो को, सपोज दो को अलाइन कर लिया, फिर और करंट बढ़ाए आप, फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, और डोमेन्स को भी वो अलाइन कर लेगा, फिर और आप फील्ड बढ़ाए और भी करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाए और फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो और डोमेन्स को भी जो है वो इसी डायरेक्शन में लाएगा. तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इस आयरन के अंदर जितने भी डोमेन्स हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे. तो जब सारे एक ही डायरेक्शन में आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो आयरन है वो मैग्नेटाइज हो गया, उसका एक ही डायरेक्शन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का. तो इस स्टेज को फिर हम क्या कहते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास आ जाएगा सेचुरेशन पॉइंट या सेचुरेशन स्टेज आ जाएगा. इसके बाद जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो फिर इसमें जो आयरन की मैग्नेटिक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई इंक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि वो सारा का सारा जितनी उसकी मैक्सिमम अलाइनमेंट थी वो हो चुकी है, इसके बाद इसमें इंक्रीज नहीं आएगा. तो ये वो मैक्सिमम सिचुएशन है. अब अगर आप आहिस्ता आहिस्ता से इनको फिर डिक्रीज करना चाहे, सो करंट को कम करते जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा और इसके साथ साथ डीमैग्नेटाइजेशन स्टार्ट होगी, लेकिन किस तरह स्टार्ट होगी वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ.